First chapter, number system. Let us recall the important concepts of this chapter. चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके इसमें नंबर्स हैं कौन कौन से नंबर्स होते हैं पहले तो बताइए. सबसे पहले नर्सरी से क्या पढ़ते आ रहे हो? नेचुरल नंबर्स डिनोटेड बाय एन, कैपिटल एन एंड वन टू थ्री एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी. देन नेचुरल के बाद जीरो ऐड हो गया, होल नंबर्स डिनोटेड बाय डब्ल्यू. बातें नहीं बचे इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स भी ऐड हो गए डिनोटेड बाय आई और कैपिटल जेड है. जब आप सीनियर क्लासेस में जाओगे तो स्मॉल जेड आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए आएगा, यहाँ पे ये कैपिटल जेड है. सो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, देन रैशनल नंबर्स. दीज नंबर्स आर डिनोटेड बाय, पहले तो डिनोटेड बाय क्यू क्यू. दीज आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो. एंड व्हाट अबाउट पी एंड क्यू? दे आर को प्राइम्स, दे आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर. ये आपके वन वन मार्क वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं इनसे, तो आपने इनको देखना है. अच्छा, होमवर्क में आप लोग क्या करोगे आज के होमवर्क के लिए? हाँ जी, क्या दूं? अच्छा दे देती हूँ आपके लिए, ठीक है, यू विल डू. ओके, होमवर्क में आपने क्या करना है, आपकी बुक में जो चैप्टर से पहले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उसमें से आपने वन वन मार्क वाले जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं बुक में ही वो अंडरलाइन करने, ठीक है? कल उन्हीं से बेस्ड किसी की भी बुक लेके मैं क्वेश्चंस पूरी क्लास से पूछ सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में आपके दैट काइंड ऑफ जो है क्वेश्चंस वो भी आ सकते हैं. तो सबने अपने अपने बनाने हैं, मे बी कि कुछ ऐसा हो जाए कि एक दो बच्चों के कारण ना मुझे ऑप्शन ही आपसे लेनी पड़ती है कि आप अपने आप को अनम्यूट कर पाए, और बाकियों का लॉस होता है उससे. चलिए ओके, तो वो वन वन मार्क के क्वेश्चंस आपने अंडरलाइन करने हैं, टुमारो वी विल डिस्कस दैट. चलो अब वापस रैशनल नंबर्स. अच्छा वन थिंग मोर, रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस में डिफरेंस फ्रैक्शन मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, क्या बोल रहे हो? एक एक करके बोलो. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल रेज योर हैंड्स, देन आई विल आस्क एनी वन ऑफ यू. यस लास्ट गर्ल, यस रैशनल नंबर्स कैन बी नेगेटिव बट जो आपके फ्रैक्शंस हैं दैट कैन नॉट बी नेगेटिव. वन मोर डिफरेंस, ओके, इन रैशनल नंबर्स पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और फ्रैक्शन में दे आर होल नंबर्स. ओके वही हो गया नेगेटिव पॉजिटिव वाला. चलिए और बताओ, व्हाट इज दिस? इज इट अ रैशनल नंबर और अ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन एज वेल एज रैशनल नंबर. अगर मैंने ये ले लिया 20/18, रैशनल नंबर है ये? है या नहीं है? है. ओके, और फ्रैक्शन है या नहीं है?
है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन जब आप करते हो तो फ्रैक्शन की स्टार्टिंग में जब आपके टीचर्स बताते हैं तो क्या बताते हैं? डिवाइडिंग अ होल इनटू डिफरेंट पार्ट्स। अब जरा इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखना क्या बन रहा है। इज इट इक्वल टू वन? वन से बड़ा बन रहा है तो फ्रैक्शन वन से बड़ा बन सकता है आपका, यस और नो? एक जो आपके पास वन कंप्लीट थिंग है, आप वन कंप्लीट थिंग को, रुद्र जस्ट स्टैंड अप एट योर प्लेस, व्हाट यू आर डूइंग? आप पिछले वाले बच्चे को भी डिस्टर्ब कर रहे हो, ही इज लुकिंग एट योर हैंड्स एंड जस्ट लाफिंग, एंड आई गेट डिस्टर्ब ड्यू टू दिस, एंड इफ आई एम डिस्टर्ब द होल ऑफ द क्लास इज डिस्टर्ब। आपको आता होगा इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट डोंट डिस्टर्ब द अदर्स। आता है देन अपनी मजबूरी समझो, इसको जो मर्जी समझो, देन आल्सो यू हैव टू लिसन टू मी, सिट डाउन। जब मैं पढ़ा रही हूँ उस टाइम आपका पूरा ध्यान मेरी तरफ हो, मैं उस टाइम फिर ये नहीं देखती कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है तो मैं इसको कुछ ना कहूँ। मेरे लिए जब पढ़ा रही हूँ तो यू हैव टू लिसन, चाहे आप द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास हो, चाहे आप मोस्ट वीक ऑफ वीक, में वैसे किसी बच्चे के लिए वर्ड नहीं यूज करती, बेशक आप बिलो एवरेज स्टूडेंट। So, moving on to the next now, irrational numbers कौन से होते हैं? Which cannot be written in the form of P by Q, denoted by T. बुक में क्योंकि एनसीईआरटी में टी यूज होता है तो यू आर टू डिनोट इट बाय टी ओनली, अदरवाइज कुछ बुक्स में क्यू डैश, क्यू का कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी मिल सकता है आपको, तो आपने इसके लिए टी ही यूज करना है। कुछ बुक्स में आपको ये आर माइनस क्यू की फॉर्म में भी मिल जाएगा। आर यू नो इज फॉर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स में से अगर आप सारे रैशनल नंबर्स जो है सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो यू आर लेफ्ट विद इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट, रियल नंबर्स। अच्छा, इरेशनल नंबर्स के लिए यू कैन से कि रूट के नीचे आपका कोई भी, सिर्फ प्राइम होते हैं या और भी कोई हो सकता है? ओनली प्राइम, रूट टेन, हाँ वो तो ठीक है, चलो स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, रूट टेन। इज इट एन इरेशनल नंबर और नॉट? रूट टेन इरेशनल है या नहीं है? तो फिर अंडर द रूट प्राइम नंबर्स नहीं हम लिखेंगे, ठीक है? अंडर द रूट आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? अभी मैंने क्या वर्ड यूज किया था कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं वो नहीं आप ले सकते, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का, दैट कैन बी, या फिर आप ये कह सकते हो कि डिफरेंट प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट बनते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, दैट वी आर हैविंग द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आर डिनोटेड बाय, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब यहां देखो, नेचुरल नंबर्स के आगे अगर हम जीरो लगा देंगे तो दैट बिकम्स होल नंबर्स। होल नंबर्स के आगे अगर हम नेगेटिव नंबर्स भी ले लेते हैं साथ में तो दैट बिकम्स इंटीजर्स। देन रैशनल नंबर्स की इंटीजर्स के बीच वाले नंबर्स भी अगर हमने ले लिए, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, तो आपके क्या बन गए? रैशनल नंबर्स। रैशनल और इरेशनल नंबर्स का कॉमन फैक्टर, व्हाट विल बी द कॉमन फैक्टर ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स? कॉमन फैक्टर क्या होता है, क्या होता है कॉमन फैक्टर? हाँ जी, अच्छा एच सी एफ सुना हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बता दो तो फिर कॉमन फैक्टर भी शायद याद आ जाएगा, क्या होता है? हाँ, क्या होता है वो फैक्टर का मतलब क्या होता है? सुना है फैक्टर वर्ड के? नहीं सुना? फिर
ये मेरे ख्याल फोर्थ या फिफ्थ में ये सम्स शुरू हो जाते हैं कि राइट दिस इन द फैक्टर, राइट द फैक्टर्स ऑफ दिस, राइट द फैक्टर्स ऑफ दिस. एलसीएम एचसीएफ निकालने से पहले आपको फैक्टर्स बनाने ही सिखाते हैं. नहीं, सिर्फ फैक्टर्स बताओ मुझे क्या होते हैं. प्राइम है या नहीं वो नहीं अभी हम देख रहे क्योंकि छोटी क्लासेस में. हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है, पहले चलो ये बताओ मुझे व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, विच आर डिविजिबल और विच डिवाइड्स. अच्छा चलो, सिक्स लिखा मैंने, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे. वन इज ऑल्सो अ फैक्टर, वन तो हर एक नंबर का है ही है, ठीक है ना. तो इसके फैक्टर्स आगे आपके वन टू थ्री, तो इट मींस फैक्टर क्या है, दैट इज अ नंबर विच डिवाइड्स सिक्स. इज डिविजिबल नहीं, इज डिविजिबल का मतलब तो हो गया कि वो खुद डिवाइड हो रहा है, पर यहाँ क्या कर रहे हैं, वन टू थ्री डिवाइड कर रहे हैं. तो वन टू एंड थ्री यानी कि अ नंबर विच डिवाइड्स सिक्स इज अ फैक्टर ऑफ सिक्स. क्लियर. अब मान लो मैंने टेन लिया, टेन के फैक्टर्स क्या बनेंगे, वन टू एंड फाइव. इट मीन्स वन टू एंड फाइव फैक्टर्स है, तो फैक्टर जो है दैट डिवाइड्स अ गिवन नंबर. एनी नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर. सो टू डिवाइड्स अ गिवन नंबर टेन, सो टू इज अ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर टेन. ठीक है. अब मेरा क्वेश्चन जो था वो ये था कि इसी में से आप एक तो एचसीएफ निकाल लेते हो कि जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों को डिवाइड कर रहा होता है वो आप एचसीएफ ले लेते हो. अब मेरा क्वेश्चन ये था कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स का क्या कोई कॉमन फैक्टर होता है. वन तो हर एक का है ही है, अदर देन वन. इज देयर अ कॉमन फैक्टर ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर अदर देन वन, क्वेश्चन मॉडिफाइड, यस और नो. Is there a common factor of a rational number and an irrational number? Chalo, let us take one example. Is it a rational number or irrational number? Irrational number. Or is this a rational or irrational? Ab inka common factor hai? Kya hai? Two. So you can. चलो एक और एग्जांपल लेंगे. इट कैन बी रिटन एज टू रूट फाइव, इनका कॉमन फैक्टर अदर देन वन है. ठीक है. अब मैंने एक और नंबर लिया, यहां मैंने ले लिया फोर, यहां मैंने ले लिया इलेवन. नाउ इज देयर एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन फोर एंड इलेवन अदर देन वन? नो. तो अब क्या आप इसका आंसर, एग्जैक्ट आंसर दे सकते हो इफ द क्वेश्चन कम्स लाइक दिस कि इज देयर अ कॉमन फैक्टर बिटवीन अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. क्वेश्चन इज देयर अ रैशनल, इज देयर अ फैक्टर ऑफ अ रैशनल, कॉमन फैक्टर ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर अदर देन वन? आपको जनरल पूछा जाएगा. इज इट पॉसिबल फॉर अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर टू हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन वन? इट मे बी और इट मे नॉट. तो यू विल राइट डाउन येस इट मे बी पॉसिबल एंड यू कैन गिव द एग्जाम्पल. ठीक है. उसके बाद ओके, सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ, ये भी वन मार्क क्वेश्चन बनते हैं. आपको दो रैशनल नंबर्स दिए हैं तो सम विल ऑलवेज बी रैशनल. सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, इट मे और मे नॉट बी रैशनल. मैंने लिया टू रूट फाइव प्लस थ्री रूट फाइव, वॉट विल बी देयर सम? फाइव रूट फाइव. मैंने लिया थ्री रूट सिक्स एंड सेवन रूट एट, वॉट विल बी द सम? एज इट इज लिखा रहेगा क्योंकि ये रूट सेम नहीं है कहीं पे भी आपके. ठीक है. इन केस अगर यहाँ पे 24 होता फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम? टू रूट सिक्स लिख सकते हैं रूट 24 को. दिस कैन बी रिटन एज फोर इंटू सिक्स, तो टू रूट सिक्स, सेवन रूट सिक्स, फोर्टीन रूट सिक्स हो गया. ये थ्री रूट सिक्स है. एड करोगे अगेन दिस विल बी एन इरेशनल नंबर. बट अगर यही सेम क्वेश्चन मुझे लेट अस सपोज कि इस फॉर्म में गिवन होता यहाँ पे, नाउ दिस
ये जो है आपका ये इरेशनल नंबर है, दिस इज अगेन एन इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर्स को मैंने ऐड किया तो हाँ पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, रैशनल आ गया। तो यू कैन नेवर बी श्योर कि उसका जो सम है वो आपका हमेशा रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेटमेंट कि वो सम आपका रैशनल आंसर देगा आपको, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर जो है वो रैशनल आंसर देगा या इरेशनल आंसर देगा। तो सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मे और मे नॉट बी क्या होगा, रैशनल या इरेशनल कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, सम ऑफ रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल, और इन दैट केस ऑल्सो वी कैन से मे और मे नॉट बी, इट विल ऑलवेज बी रैशनल। सेम वे में डिफरेंस हो जाएगा, प्रोडक्ट मे और मे नॉट बी, डिविजन अगेन मे और मे नॉट बी। मान लो कि मैंने एक ले लिया 20 root 5, अगर मैं इसको 4 root 5 से डिवाइड करूंगी तो माई आंसर विल बी अ रैशनल नंबर, बट अगर मैंने लिया 20 root 3 डिवाइडेड बाई 4 root 5 देन माई आंसर विल बी एन इरेशनल। तो अगेन इट मे और मे नॉट बी। रैशनल नंबर के केस में हर आंसर क्या होगा, प्रोडक्ट सम डिविजन मल्टीप्लीकेशन विल ऑलवेज बी रैशनल, ठीक है। देन वी आर हैविंग परफेक्ट स्क्वेयर्स। क्या होते हैं परफेक्ट स्क्वेयर? When an integer is squared, then we get a perfect square. Okay, nth root, ये मैंने करवाया हुआ है, third बताया था आपको, if you remember online class लगी थी हमारे। So what is the nth root of a number? Nth root को हमेशा ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे number आ जाएगा, कुछ भी number हो सकता है, यहाँ पे क्या है उसकी nth रूट है। जहां पे भी nth रूट आ गई, इट मींस जब आप इसको ऊपर इसकी पावर की फॉर्म में लिखोगे देन ये क्या बन जाएगा आपका, 1 upon की फॉर्म में ये एक्सपोनेंट बन जाएगा, ठीक है। आप ये चीज निकालते हो, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, 26 raised to power क्या लेते हो, 1/2। तो यहाँ पे आपका 2 लिखो ना लिखो वो अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे 2 है अगर ये वाला सिंबल आ गया, अदरवाइज जो है अगर स्क्वायर रूट के अलावा कोई और रूट है तो वो नंबर यहाँ पे लिखा जाता है। और ये ध्यान रखना कि ये नंबर इस सिंबल के बीच में होता है, ठीक है। यानी कि अगर नंबर जो है nth रूट ऑफ नंबर या फिर नंबर रेस्ट टू पार 1/n लिखें तो दैट इज 1 and द same thing, this is a way different, these are two different ways of writing an expression, but jo ye expression hoga aapka ye same hoga. Same way mein agar maan lo yahan pe maine 4 likh diya then 26 raised to power 1/4, maine ye number liya 100 raised to power 1/10, so this is clear। जो भी नंबर यहाँ होगा 1 upon की फॉर्म में आ जाएगा। अगर यहाँ पे मान लो ये है देन ये 10th root of 100 और उसका क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, तो ये चीज बन गई। अब आपको पता है व्हेन वी आर हैविंग अ नंबर इन दिस फॉर्म देन दिस इज इक्वल टू x raised to power mn, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, ये वाला 3 जो है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ, वहां डिवीजन मल्टीप्लिकेशन अकॉर्डिंगली हो जाएगी अगर कोई पावर ऑलरेडी गिवन है। अगर इसकी कोई पावर नहीं गिवन है तो सिंपली 1 upon की फॉर्म में जो नंबर यहाँ होगा वो वाला नंबर आप एज इट इज यहाँ लिख दो, क्लियर, ठीक है। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज identities of the square roots। ये मैंने मतलब specific name लेके नहीं करवाया हुआ कि these are the identities of the square root, but किया हुआ है हमने। If I am having this thing, बीच में कोई sign नहीं है मतलब ये क्या हो रहे हैं, multiply हो रहे हैं, तो is this equal to this thing, are these equal, why? One child is saying it is
यू से यस और नो? यस, टू यस, बाकी थ्री यस हो गई, और फोर यस, यस फाइव सिक्स हो गई, चलो आगे. इज इट यस और नो? इट इज यस. अगर आपके पास यहाँ रूट्स में नंबर्स गिवन है, आप उसको एज अ सिंगल रूट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो. ठीक है, मान लो मुझे यहाँ पे गिवन है रूट टू को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ रूट थ्री से, तो दिस इज इक्वल टू रूट सिक्स. क्यों? क्योंकि आप रूट सिक्स को क्या लिख सकते हो, टू इंटू थ्री. और आपको पता है कि अगर रूट के नीचे दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको हम अलग अलग इस तरीके से लिख सकते. ठीक है, तो रूट एक्स इंटू रूट वाई जो है दैट इज इक्वल टू एंड द रूट एक्स इंटू वाई. सेम वे में प्रोडक्ट डिविजन, रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट वाई इज इक्वल टू रूट एक्स वाई. आप एट्थ में ये वाला जो है क्यूब रूट्स वाले उसमें कर चुके हो, स्क्वायर्स एंड क्यूब रूट्स में. अगर आपको ऐसे दिया होता था आप उसको इस फॉर्म में लिख लेते थे. तो अगर इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो तो रिवर्स इज आल्सो ट्रू, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट सम, इज इट ट्रू? सम को आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, दिस इज फॉल्स. कैन यू गिव मी वन एग्जाम्पल? हाँ जी, यस. क्योंकि इसमें क्या है, पहले आप स्क्वायर रूट ले रहे हो फिर आप उसको ऐड कर रहे हो, है तो यहाँ भी वो वैसे वही चीज है, बट एडिशन में आपका जो रिजल्ट है वो डिफरेंट हो जाता है. कैन यू गिव मी द एग्जांपल फॉर दिस, जिसे हम ये शो कर सकें कि एक्स रूट प्लस वाई रूट जो है दैट कैन नॉट बी रिटन एज एक्स प्लस वाई स्क्वायर रूट. ओके, रूट आधे टू बोल रहे हैं, आधे फोर लिख रहे हैं, क्या लिखू? टू. चलो आगे, यहाँ फोर ले लें फिर. चलो यस, यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, टू प्लस फोर लिख लूं, सिक्स लिख लूं, तो बोथ ऑफ दीज आंसर्स विल नॉट बी सेम. सो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आप रूट एक्स प्लस रूट वाई को एक्स प्लस वाई रूट नहीं लिख सकते. सेम वे में रूट एक्स माइनस वाई को भी आप ऐसे नहीं लिख सकते. अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट. नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आपने नहीं पढ़ा है, दैट यू विल स्टडी इन 11th स्टैंडर्ड. तो ये चीज जो है वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, बाकी आइडेंटिटीज जो आपकी फॉर्मूले वाली हैं, आइडेंटिटीज ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो सारी सेम इसमें एज इट इज लगती है. देन वी आर हैविंग द एक्सपोनेंट्स ऑफ द रियल नंबर्स, वो भी आपको पता है. अगर मान लो मुझे गिवन है, लेट अस सपोज ए रेज टू पावर एन, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है कि ए को हम एन टाइम्स क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं. देन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एक बार दोबारा बताओ, क्या क्या किए होंगे आपने? बेसिस आर सेम एंड इफ दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड देन द पावर्स आर एडेड. Bases are different then and the powers are same then. अभी हमने वो रूट वाला भी एग्जाम्पल किया है, सेम चीज ही है ये. मान लो रूट एक्स इंटू रूट वाई मुझे गिवन है. ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स टू दी पावर हाफ वाई टू दी पावर हाफ. सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स वाई टू दी पावर हाफ. ठीक है, एक्स वाई टू दी पावर हाफ क्या है, ये अभी हमने रिजल्ट किया. क्लियर, चलो अगला बताओ. नेक्स्ट आइडेंटिटी डिवाइड के लिए, ए टू दी पावर एम डिवाइडेड बाय ए टू दी पावर एन. बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो अब आपको अलग से कहना पड़ेगा. योर नेम प्रगुन है, प्रगुन है आपका नेम? वत्सल के पीछे वाले बच्चे का नेम क्या है? हेवन. आपको अलग से कहूं कि ध्यान पूरा बोर्ड की तरफ हो, चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता, यू हैव टू लिसन टू मी व्हेन एवर आई एम स्पीकिंग इन द क्लास. चलिए, और डिवीजन में है ये प्रॉपर्टी? यस, ए टू द पावर एम अपॉन बी टू द पावर एम. बेसिस डिफरेंट है बट इफ द पावर्स आर सेम
देन ऑल्सो दिस कैन बी रिटन इन द सेम वे, सेम ये रूट में किया हुआ है आपने। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ओके, ए रेज टू पावर एन दैट इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम एन, एनी अदर प्रॉपर्टी? क्या इतनी ही की है क्या? डन, क्लियर? यही कह रहे थे ना फर्स्ट वाली। चलिए अब नेक्स्ट हम आएंगे ओके, दिस रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू, इफ द वैल्यू ऑफ ए इज जीरो देन दैट इज नॉट डिफाइंड। वन नहीं लेना फिर आपने, जीरो रेज टू पावर जीरो इज नॉट डिफाइंड। जीरो रेज टू पावर जीरो का क्या मतलब है? जीरो को जीरो टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जितनी बार मर्जी आप मल्टीप्लाई करते रहो आपका आंसर नॉट डिफाइंड ही रहेगा। बट अगर कोई नंबर है दैट रेज टू पावर जीरो है तो उसको आपने वन लेना है। तो ए रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन फॉर ए नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है? ये ध्यान रखना है आपने। उसके बाद आपके यहाँ इसमें डेसिमल एक्सपेंशन थी, रैशनल और इरैशनल वाली, लेट अस डिस्कस दैट। फिर क्वेश्चंस हम कल करेंगे। ये नोट तो नहीं करना, कर दो इरेज। वैसे ये सारा लिखा होगा आई थिंक आप लोगों ने। इन केस अगर आपको लगे कि कुछ चीज मिस्ड है, मतलब पहले की हुई है अब रह गई, तो यू कैन टेल। और या फिर कुछ आपको ऐसा लगता है कि हमने पहले नहीं की थी अब कर रहे हैं, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन। उससे पहले रैशनल इरेशनल क्लियर है सबको? देखो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है टर्मिनेटिंग, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या? रिमाइंडर जीरो, यानी कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, क्योंकि हमें रिमाइंडर जीरो मिल रहा है तो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होगा, यानी कि देयर विल बी सम लास्ट डिजिट जहां पे हम कहेंगे कि इसके बाद ये नंबर फर्दर डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें रिमाइंडर जीरो मिल चुका है। अच्छा, अब जो है टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर जीरो, और यू कैन से there is a last digit of the decimal expansion. Non-terminating jo hai, that is further of two types, recurring or non-recurring, repeating or non-repeating. Non-terminating and रिपीटिंग या रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना है, टर्मिनेटिंग के साथ कभी भी हमने रेकरिंग या नॉन रेकरिंग वर्ड यूज नहीं करना, ठीक है? टर्मिनेटिंग मींस रिमाइंडर जीरो मिल रहा है, चाहे वो जो है डिजिट्स की रेपिटेशन के बाद मिल रहा है। वैसे तो ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं है कि डिजिट्स की रेपिटेशन के बाद मिलेगा, क्योंकि अदरवाइज वो पहले ही जीरो आ चुका है, उसके बाद हम फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं। बट नॉन टर्मिनेटिंग के साथ अगर उन्होंने पूछा है देन डेफिनेटली यू विल राइट डाउन that it is non-terminating and non-repeating या non-recurring and non-terminating and repeating या recurring, clear? अच्छा, when will you say that the decimal expansion is terminating without actually division? Can you tell the when the this division will be terminating? हाँ, you can check the denominator p upon q में, you check the factors of q, क्या condition होती है,
तब हम कहते हैं कि ये रेकरिंग है. ओके, इफ इट द क्यू, इफ क्यू कैन बी रिटन एज 2 raised to power m इंटू 5 raised to power n, या अकेला 2 raised to power m, उसमें क्या होता है 5 की पावर 0 एज्यूम कर लेते हैं, या अकेला 5 raised to power n, इसमें 2 की पावर 0 एज्यूम कर लेते हैं. तो अगर वो इन दोनों के फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, या सिर्फ डिनोमिनेटर में जो है 2 के फैक्टर्स बन रहे हैं, या सिर्फ 5 के फैक्टर्स बन रहे हैं, देन द डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग के केस में डिनोमिनेटर के फैक्टर्स जो हैं, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power m इंटू 5 raised to power n. बट इफ द फैक्टर्स आर अदर देन 2 and 5, देन दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग. और उस केस में हमें नहीं पता वो रिपीट हो रहे हैं नहीं रिपीट हो रहे, तो सिंपली आप क्या लिखोगे. मैंने जब आपकी नोटबुक चेक की थी तो कुछ बच्चों ने क्या किया था, वहां पे लिख दिया था कि फैक्टर्स आर अदर देन 2 and 5, सो दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग. आगे नॉन रेकरिंग किसी ने लिखा हुआ था, किसी ने रेकरिंग लिखा हुआ था. आपने सिंपली टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बताना है. वैसे तो अगर हम बात करें तो हम क्योंकि रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे. बट क्यू के बेस पे जो है आप सिंपली वो आंसर नहीं दोगे कि वो रेकरिंग है या नहीं है, तो यू विल राइट डाउन. आई थिंक इसमें एक आपकी थ्योरम भी गिवन है जिसके बेसिस पे उन्होंने नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कहा है उसको, इसी चैप्टर में है वो. टेंथ में होगी फिर वो. तो आपने सिंपली अगर फैक्टर्स आर अदर देन 2 and 5, तो व्हाट यू विल राइट डाउन, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग. क्लियर? सो वन मोर मिनट वी आर हैविंग, इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क. तो ये जस्ट एक हमारा कह लो कि रिव्यू था फर्स्ट चैप्टर का. इसके अलावा जो है आपके अब रह गए ज्योमेट्री वाले जो क्वेश्चन थे, तो उसमें अगर वो आए भी तो ड्रॉ करना नहीं आएगा, वो बने होंगे आपको. या फिर जैसे अगर आपको गिवन है रूट 17 हमने प्लॉट करना है, तो व्हाट शुड बी टेकन ऑन द बेस लाइन एंड व्हाट शुड बी टेकन एज द परपेंडिकुलर जो है लेंथ, तो वो आपको इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि ड्रॉ वाला काम आपका खत्म है. या फिर वो ड्रॉ करके देंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करनी होगी. तो ये वाला आपका जो वर्कलोड था ड्रॉ करने वाला वो कम हो गया. ठीक है, देन सर्कल में जो हमने रूट वाला किया था, रूट 9.6 वाला था, दैट इज अगेन डिलीटेड पार्ट, तो यू नीड नॉट डू दैट. अब रिवीजन में जो है मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि ये डिलीटेड है, तो वो आप मार्क कर लेना, तो वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना है. सो बच्चे, इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क योर डाउट. आई एम गिविंग यू द ऑप्शन. Otherwise, I'm ending the meeting as the time is over. Amit, you rejoin, bache.